गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के जो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहां पर किसके बारे में, पाइप एंड सिस्ट बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप करने की कोशिश करिए। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप करने की कोशिश करिए जल्दी से कि किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टैप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 आवर्स एंड टैप बी कैन फिल सेम सिस्टर्न इन 15 आवर्स, व्हाइल टैप सी कैन एम्प्टी फुल सिस्टर्न इन 12 आवर्स। टैप ए स्टार्टेड एट 8 AM, टैप बी स्टार्टेड एट 11 AM एंड टैप सी स्टार्टेड एट 1 PM। एट व्हाट टाइम एन एम्प्टी सिस्टर्न विल बी फुल और अ फुल सिस्टर्न विल बी एम्प्टी। यानी कि उसे ये नहीं पता कि आप उसे खाली करोगे या भरोगे, उसे ये नहीं पता है। उसका कहना यह है कि अगर भरा हुआ सिस्टर्न है तो जितना भरा है उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, या जितना खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगने वाला है, और कितने समय तक यह भर या खाली हो जाएगा यह आपको बता देना है। मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, समझिए कि टैप ए 20 घंटे में एक गड्ढा भर सकता है और नल बी 15 घंटे में एक ही गड्ढा भर सकता है, जबकि नल सी 12 घंटे में पूरा गड्ढा खाली कर सकता है। जो आपका नल ए है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और जो बी वाला है वो 11 बजे शुरू होता है और जो सी वाला है वो दोपहर में 1 बजे शुरू होता है, तो किस समय पर एक खाली कुंड पूर्णतः भर जाएगा या खाली हो जाएगा ये मुझे बताना है। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी बार इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पेपर में आपको देखने को मिला होगा। तो आपने जब इसको क्वेश्चन को देखा होगा तो आप लोगों को लगता होगा कि किस तरीके से करें, और इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। तो समझने की कोशिश करो आप। सबसे पहले देखिए यहां पर ए की बात हो रही है और ए टैप ए की बात हो रही है, तो टैप ए को हम क्या बोलेंगे यहां पर, इसको हम बोल देते हैं ये कितने में भर रहा है, 20 आर्स के अंदर, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बी की बात करते हैं, तो बी कितने में भर रहा है, ये 15। अब सी की बात करते हैं तो सी कितने में खाली कर रहा है, ये 12 घंटे में। तो सबसे पहले इनसे हम क्या निकाल देते हैं, इनसे हम टोटल कैपेसिटी निकाल देते हैं और इनसे एफिशिएंसी भी निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटी आप देखो तो 20, 15 और 12 का एलसीएम हमारा टोटल कैपेसिटी बनेगा, तो इसको हम ले लेंगे यहां पर 60। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये हो गया टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये टोटल कैपेसिटी हो गया तो 20 लिखा हुआ है, इस 20 का 60 में, यानी कि 60 टैंक को भरने में अगर 20 घंटे लगते हैं तो एक घंटे के अंदर ए कितना भरता होगा, और वही इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, तो ये हमारा बनेगा कितना, 3। भरने वाला है तो +3, 15 घंटे में 60 तो +4 आ जाएगा, 12 घंटे में 60 खाली करता है तो 5 आ जाएगा, अब खाली करने वाला है तो माइनस में आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैंने टोटल कैपेसिटी आपको निकाल के दे दी और एफिशिएंसी आपको निकाल के दे दी। अब क्वेश्चन में जो जो कहा गया है बस हमको उतना कर देना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले ए को ओपन किया गया, तो जब ए को ओपन किया गया, जब ए को ओपन किया गया आपका, तब आप एक चीज देखो, सबसे पहले यहां लिखो ए, फिर लिखो बी और फिर लिखो सी। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ए को अगर ओपन कर दिया गया तो दोबारा ए को बंद तो किया नहीं गया, तो फिर ए प्लस बी रहेगा ना दूसरी वाली कंडीशन पे, और यहां रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज रहेगी। अब समझना ये क्या कहा जा रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले 8 बजे, जैसे ही घड़ी के अंदर 8 बजे, और 8 बजे ओपन कर दिया गया ए को, और 8 बजे ओपन करने के बाद 11 बजे जाके बी को ओपन किया गया, 11 एएम पर बी को, तो यहां से यहां तक कितने घंटा हो गए, 8 9 10 11 9 10 11, यानी कि 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे में ए ने कितना टैंक फिल कर दिया होगा, 3 घंटे में ए ने, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 और 3 से 9, 9 टैंक फिल कर दिया। अब ए प्लस बी यहां काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, अब 11 बजे ये ओपन हुआ, 11 बजे से लेके 1 बजे तक,
तो 1 पीएम पर जाके किसको ओपन किया गया, सी को। तो 11 बजे से लेके 1 पीएम तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, और 2 घंटे में इसने कितना फिल कर दिया, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7, और 7 और 2 कितना हो गया, 14, इतना हो गया। अब आप एक मुझे बताओ कि अब 1 बजे सी ओपन हो गया, तो अब सी ओपन होने के बाद अब ये किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तीनों, अब ये तीनों जो काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी होगी हमारी 3 + 4 - 5, यानी कि 2 की एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि जब ये 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 60 टैंक था, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 60 थी। अब इस 60 कैपेसिटी में से, ये जो 60 कैपेसिटी है इसमें से कितना फिल हो गई हमारी, कितनी फिल हो गई, 23 फिल हो गई। अब जब 23 हमारी फिल हो गई तो बच कितनी गई हमारे पास, 37 बच गई, और ये 37 को हम किससे फिल करवाएंगे, अब 2 की एफिशिएंसी से फिल करवाएंगे। हर्षल प्रजापति जी 5:30 AM एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। अब ये 37 से अगर जब आप इसे फिल करवाओगे तो 37 / 2, तो ये कितने घंटा लगने वाले हैं, यहां से हमारा लगने वाला 18.5 घंटे, 18.5 घंटे लगने वाले हैं। 1 बजे से लेके 18.5 घंटे तक आप देखो तो कितने बजेंगे, तो 1 बजे से 12 घंटे हमारा 1 बज गया, उसके बाद 6 जोड़ दो उसमें तो 7 बज गए, तो 7:30 पर हमारा टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा निकल कर आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया सी। बात समझ में आ गई हर्षल प्रजापति जी, बिल्कुल 7:30 AM एकदम करेक्ट आंसर होगा, 5:30 AM नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, यानी कि 7:30 AM पर हमारा टैंक पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, यही इसको करने का तरीका है, मैंने आपको यहां समझाया, इसलिए थोड़ा सा इतना समय लगा, वरना इनमें काफी चीजें आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप्स ओनली 60% वाटर कैन फ्लो थ्रू फर्स्ट पाइप एंड 75% वाटर कैन फ्लो थ्रू सेकेंड पाइप, ठीक है, ओनली 60% वाटर कैन फ्लो थ्रू फर्स्ट पाइप एंड 75% वाटर कैन फ्लो थ्रू सेकेंड पाइप आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप्स, आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप का मतलब उनको सही कर दिया मैंने, द टैंक वॉज फिल्ड इन 6 मिनट, हाउ लॉन्ग वुड द वेस्टेज बी इन पाइप्स। तो इसकी कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ और अपने तरीके से सोचो, इसी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। एक बात बताओ, आपके घर पे 2 नल लगे हुए हैं, उन नल में ना कुछ खराबी आ गई और खराबी आने की वजह से वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। जो पहला वाला है वो अपनी 60% एफिशिएंसी से कर रहा है और दूसरा वाला है वो 75% की एफिशिएंसी से कर रहा है। तो ये बताओ कि अब मैंने उसे सही कर दिया, उनकी क्लियर कर दिया उनको, तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करने लगे। तो जैसे ही वो फुल एफिशिएंसी से काम करने लगे तो 6 घंटे के अंदर टैंक फिल हो गया। तो ये बताओ 6 घंटे तक तो उन्होंने फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो 6 घंटे तक उन्होंने फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया कि नहीं, तो 6 घंटे में उन्होंने फुल एफिशिएंसी के साथ जितना काम कर दिया उसको लिख लो, और विदाउट और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जितना काम किया था उसे लिख लो, और टोटल में से उसे माइनस कर दो, तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ उसने कितना कम काम किया, और आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनना इसको, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर लिखो ए, 2 पाइप कम से 24 मिनट 30 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, यानी कि इनलेट 1 लिख लो और इनलेट 2 लिख लो, ये तो फिल कर सकता है 24 में और ये फिल कर सकता है 30 में। अब हम यहां से देखेंगे तो हमारी टोटल कैपेसिटी आ गई 60, ये तो हो गई टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी ये आ गई हमारी, नहीं सॉरी 60 नहीं 120, ये हमारी 5 आ गई और ये हमारी आ गई 4, ये एफिशिएंसी निकल कर आ गई हमारी यहां पर। अब उसने बोला है कि ये अपनी किस किस परसेंट की एफिशिएंसी से काम करते हैं उसको देख लो, तो ये 5 की 60% से काम करता है, ये 5 के 60% से काम करता है, तो देखिएगा 5 के 60% से काम करने का मतलब क्या हुआ,
फाइव का 60% निकाल दो, तो 60% ऐसे निकलेगा, जीरो से जीरो, पांच से इसको करो तो ये तीन बनेगा, तो ये तीन की एफिशिएंसी से काम करने लगा आप। अब इधर देखो ये 75% थे, तो इसका 75% निकालो, तो 75% भी इसका कितना निकलेगा सॉल्व करके, तीन निकलेगा। तो अब ये जब इनके अंदर कोई खराबी आ गई तो ये तीन तीन की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, वैसे इनकी एफिशिएंसी पांच और चार है। अब एक बात बताओ कि जैसे ही आपने इनको सही किया, जैसे ही आपने इनको सही किया, तो सही करने के बाद, सही करने के बाद ये पांच प्लस चार की एफिशिएंसी से काम करते हुए छह घंटे तक चले, तो 36 इन्होंने टैंक भर दिया इनका। इसका मतलब मुझे साफ पता चल गया कि इसके पहले विद ऑब्स्ट्रक्शन केवल टैंक कितना भरा गया होगा, 120 माइनस 36, और 120 माइनस 36 का मतलब कितना होता है हमारा, 84, यानी कि केवल कितना भरा गया होगा, 84 टैंक भरा गया होगा। तो उसने कहने का मतलब अब यह है, क्वेश्चन का जो कहने का मतलब यह है कि तो अगर उसी से अगर हम भरें पूरे टैंक को, किससे, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से क्लास थोड़ी सी रुक गई थी, देखो कोई बात नहीं, समझो अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से इतनी चीजें समझ ली। तो एक बात बताओ आप मुझे कि ये जो 36 आपने भरा, ये हमारा किस वजह से रुक गया था, ये हमारा पाइप खराब होने की वजह से रुक गया था। अब उसने यही तो पूछा है, द टैंक वॉज फिल्ड इन 6 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड द वेस्टेज बी इन पाइप्स, हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेज बी इन पाइप्स, इनकी वेस्टेज वाला कितने समय में भरा जाएगा ये हमको बताना है। तो 36 है, 36, और ये 36 को 6 से आप भरोगे तो ये हमारा कितना, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, तो ये 84 है, 84, ठीक है, ये 6 के द्वारा फिल किया गया होगा तो कितना लगा होगा, 1 और 4 24 लगा होगा। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे ये पूछा है कि टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप ओनली 60% वाटर कैन फ्लो फर्स्ट पाइप एंड 75% वाटर कैन फ्लो थ्रू सेकंड पाइप आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप। उनको सही कर दिया, द टैंक वाज फिल्ड इन 6 मिनट, तो 6 घंटे में टैंक ने पानी, वो टैंक भर गया। तो हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेज बीन पाइप, इनकी वह जो हमारे जो खराब वाले पाइप थे वो, मतलब हाउ लॉन्ग, कितने समय तक चले होंगे वो, कितने समय तक चले होंगे जो खराब वाले पाइप थे वो, कितने समय तक चले होंगे। तो एक बात आप मुझे बताओ कि यहां पर अगर आपने देखा कि 36 तो यहां पर भर गया, तो अगर मैं 120 में से 36 हटा दूं तो हमारे पास बच कितना रहा है, हमारे पास कितना बच रहा है, 84 बच रहा है। अब 84 को आपने किस हिसाब से किया होगा, ठीक है, तो आपने 84 को किस हिसाब से सॉल्व किया होगा, यहां पर तो देख लो, 84 और डिवाइडेड बाय आपकी ये वाली कितनी एफिशिएंसी है, 6 है, तो 6 से करो 14 आवर्स, यानी कि इसका आंसर हमारा कौन सा बन गया, नन ऑफ दीज, ठीक है, यही है ना। देखिए एक मिनट, आवाज सभी को आ रही है ना, मैं यहां से फिर से आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से, ठीक,
देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या सीखा, मैंने ये जानने की कोशिश की, ये मैंने ये गलती कर दिया था, 5 + 4 + 9, 9 × 6 ये 54 बनेगा ना, यही इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ये 54 बनेगा। तो अब आपके पास टोटल 120 था, इसमें से 54 तो उसने सही तरीके से फिल किया, तो पहले 54 कम भरा गया होगा ना, तो पहले 66 केवल फिल हुआ होगा, और 66 किस एफिशिएंसी से फिल हुआ होगा, 6 की एफिशिएंसी से। ये 66 किस एफिशिएंसी से फिल हुआ होगा, 6 की एफिशिएंसी से। तो कितने समय तक चला होगा ये, 66/6 यानी कि 11, आपका आंसर कितना आ गया, 11 मिनट। उसने यही पूछा है कि जो खराब वाला जो नल थे, यानी कि जब इनको सही नहीं किया गया था, तो वो हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वो चले थे, तो 11 मिनट तक चले थे वो। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन कट होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इसको करिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो इसे। कह रहा है कि ए टैंक हैज 10 पाइप्स, किसी टैंक के अंदर 10 पाइप लगे हुए हैं, आउट ऑफ विच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट्स। इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 आवर्स। इफ ऑल पाइप्स आर ओपनड टुगेदर देन द टैंक गेट फिल्ड इन 4 आवर्स। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स, मतलब एक टैंक है उसके अंदर 10 पाइप लगे हुए हैं, इसमें से कुछ तो भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। अगर भरने वाला अकेला चले तो वो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है, अगर खाली करने वाला अकेला चले तो वो 16 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तो सबसे पहले तो भरने वाले और खाली करने वाले की एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां से एफिशिएंसी के लिए निकालने जाऊं इनकी, तो ये कितनी बनेगी देखने की कोशिश करिए आप। यहां इनलेट है और यहां आउटलेट। इनलेट कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में, और आउटलेट कितने घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में। अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरी टोटल एफिशिएंट, टोटल कितना बन जाएगा यहां से इनका, ये हम कितना ले सकते हैं, 12 और 16 है, तो इसको हम ले लेते हैं, यहां पर हमारा बन जाएगा 48, यानी कि ये हमारा आ गया 4 और ये आ गया हमारा -3। ये बात हमको यहां से क्लियर हो गई कि इसकी इनलेट की एफिशिएंसी 4 हो गई और आउटलेट की एफिशिएंसी हमारी 3 हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सभी को। अब देखो, अब एक बात आप यहां पर देखिए कि उसने एक बात और बोली है लास्ट में कि दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो 4 घंटे में भर सकते हैं। तो मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं कि मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं क्या लिखना चाहूं मैं यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा आप, कि मैं यहां लिख देता हूं इनलेट और यहां लिख देता हूं आउटलेट। तो इनलेट अगर फिल करता है तो 1 घंटे में 4 फिल कर सकता है, आउटलेट वाला खाली करता है तो -3 खाली कर सकता है, और दोनों एक साथ चलते हैं तो, दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए, दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो 48/4 12। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि दोनों एक साथ चल सकते हैं तो 12 घंटे में, मतलब 12 की एफिशिएंसी से भरते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मुझे कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो किस तरीके से सॉल्व होगा, आप देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, अगर मैं यहां 12 रख दूं, भाई एक चीज देखो यहां पर कि ये 12 है, इस 12 को यहां रख देता हूं, एलिगेशन लगा रहा हूं ना मैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए, ये 12 यहां रख दो ऐसे, ठीक, अब एक चीज देखो आप, जब इसमें एलिगेशन आप लगाने के लिए जाओगे तो अगर इनलेट वाला है, यहां पर इनलेट वाला, बात समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सारे 10 के 10 पाइप अगर मैं इनलेट मान लूं,
सारे 10 के 10 पाइप अगर मैं यहां पर इनलेट मान लूं आपको, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनलेट वाले की, 4 × 10। मैं ऐसा सोचूं कि इनलेट वाले की एफिशिएंसी, एक इनलेट वाला पाइप एक घंटे के अंदर 4 लीटर पानी भरता है और 10 के 10 पाइप पूरे इनलेट की तरह काम करते हो, तो ये 40 लीटर भर सकता है कि नहीं। यही तो हमारा एफिशिएंसी एलिगेशन लगाने का कुछ तरीका होता है, तो ये 40 हो गया। अगर मैं ये सोचूं कि जो हमारे आउटलेट पाइप है वो पूरे 10 के 10 आउटलेट होते तो 30 खाली करते एक घंटे में, और ये हमारा सभी अगर हमारे दोनों की तरह काम करते तो 12 की एफिशिएंसी से। अब इनको सॉल्व करो तो यहां पर कितना बन जाएगा हमारा, यहां पर बनेगा 28 और यहां पर कितना बन जाएगा 42। अब मैं इनका रेशियो निकालता हूं, तो 14 से ये 2 बार गया और 14 से ये 3 बार गया, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ पाइप्स का जो रेशियो आ गया, नंबर ऑफ पाइप्स का रेशियो आ गया वो 3:2 आ गया। तो 3 और 2 5 हो गया, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, वो दी गई है 10 पाइप। 5 रेशियो बराबर 10 पाइप्स, तो 1 रेशियो बराबर 2 पाइप्स। मुझे निकालने कौन से, इनलेट की आउटलेट, मुझे पता करना है कि इनलेट वाले पाइप की कितनी संख्या होगी, तो इनलेट वाले 3 रेशियो हैं, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो गया 6। तो आंसर हमारा यही निकलकर आ गया, इनकी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, यानी कि इसमें इनलेट जो पाइप होंगे वो 6 होंगे। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, यानी कि इसमें इनलेट पाइप हमारे 6 होंगे। अगर आउटलेट पूछे जाते तो कितने निकलते, 4 निकलते, 2 रेशियो की वैल्यू हमारी 4 आ जाती, तो हमारे आउटलेट पूछे जाते 4 होते, तो टोटल हमारे 10 हो गए। सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की आप कोशिश करिए। 3 पाइप्स KL and M विच हैव रेडियस 1 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू अ टैंक। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दैट पाइप्स इन 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट एंड 1 लीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ द थिकेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 46 मिनट्स, ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर। समझ में आ रही कहानी, कहानी ये पूरी कही जा रही है कि 3 पाइप KL और M जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्रमशः हैं, एक टैंक से जुड़े हुए हैं। इन पाइपों में बहने वाले पानी की गति क्रमशः 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट और 1 लीटर पर मिनट है। यदि सबसे मोटी पाइप 40 मिनट में टैंक भर सकती है तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये मुझे बताना है। करने की कोशिश करो जल्दी से और इसका आंसर बताइए आप। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे KLM की त्रिज्या की। तो यहां लिखो K, यहां लिखो L और यहां लिखो M, और इनके रेडियस की अगर हम बात करें तो इनकी रेडियस हमको दी गई है 3/2, इसकी रेडियस हमको दी गई है 2 और इसकी रेडियस हमको नहीं, इसकी बंद दी गई है, K की बंद दी गई है, उल्टा हो गया, एक मिनट रुक जाओ, के की दी गई है हमको 1, इसकी दी गई है 3/2 और M की दी गई है 2, ये दी गई है हमको। तो यहां से अगर हम रेडियस निकालने के लिए जाते हैं सर, तो रेडियस जो हमारी बनने वाली है वो हमारा रेडियस का रेशियो बनने वाला है, रेडियस का रेशियो वो बनने वाला है 2:6:4, ये बनने वाला रेडियस का रेशियो। ये बात समझ में आ गई, अगर रेडियस का रेशियो हमारा ये बन रहा है तो एक बात बताओ आप मुझे, जो पाइप होता है वो आगे का हिस्सा उसका कैसा होता है। जैसे एक पाइप मैं आपके सामने बनाता हूं, ये पाइप है, इसके जो आगे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है,
एक वृत्त के आकार का होता है कि नहीं, और जब ये वृत्त के आकार का आगे का हिस्सा होता है ऐसे करके, तो इसके अंदर रेडियस होती है। तो अगर मैं ये देख लूं कि जितना चौड़ा पाइप होगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, जितना छोटा पाइप होगा नैरो साइज पाइप होगा तो उतना कम पानी निकलेगा, ठीक है। अब ये चीज हम पता कैसे करें कि कौन सा ज्यादा बड़ा पाइप होगा कौन सा छोटा, तो उसका एरिया निकाल दो आप, उसका एरिया। तो हम वृत्त का एरिया निकाल देते हैं, तो इसमें एरिया निकालो अब आप। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे आपसे मैं ये कहूं कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम एरिया का जो रेशियो निकालने जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर दो तो 4:9:16 ये हमारा एरिया का रेशियो निकल कर आ गया। कोई समस्या नहीं आपको यहां तक किसी को भी? एरिया का रेशियो हमारा यहां पर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है। अब एक चीज देखो कि अब उनमें बहने वाले पानी की गति भी तो पता होनी चाहिए कि भाई हो सकता है कि आपका एरिया तो बड़ा हो लेकिन गति बहुत छोटी हो निकलने की, बहुत स्लो स्लो पानी निकलता हो, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताओ कि अब मुझे जो गति दी गई है निकलने की वो दी गई है 3 लीटर पर मिनट पहले वाले की, दूसरे वाले की 2 लीटर पर मिनट और तीसरे वाले की 1 लीटर। तो अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं इनकी, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी बनेगी वो देख लो। एफिशिएंसी का रेशियो हमारा कितना बनेगा, किसका, के एल और एम, इसको हटा देते हैं पहले, इसको हटाओ, के एल एम देखो और एम। अब यहां पर अगर आप निकालने के लिए जाओगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो बड़े ध्यान से सुनना अब आप। सबसे पहले तो इनका एरिया आ जाओ, तो ये 4 है और K में किस गति से निकलता है, 3 की गति से। L में आ जाओ 9:2, इसमें आ जाओ 16:1, ये है। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा क्या, यहां से 2 से कैंसिल करें तो ये 2 आ गया, 2 से ये कैंसिल और 2 से कैंसिल करने पर ये 8 आ गया। तो रेशियो हमारा कितना बन गया निकल के, 6:9:8। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, यानी कि एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया वो 6:9:8 आ गया। कोई समस्या नहीं आपको यहां तक? किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको यहां हो तो बताइए, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि सबसे मोटी पाइप तो 40 मिनट में टैंक को भर सकती है, तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे मोटी वाली जो पाइप है वो टैंक को 40 मिनट में भर सकती है, तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताओ, सबसे मोटी वाली पाइप कौन सी है, ये है ना, एम वाली सबसे मोटी वाली पाइप है, और जिसकी एफिशिएंसी 8 आ रही है, और 8 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 40 मिनट। 8 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 40 मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। उसने ये बोला है कि सबसे मोटी वाली पाइप 40 मिनट में टैंक को भर सकती है, तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यही है ना। इसमें थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ऐसे लिखा होना चाहिए था कि इफ द थिकेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी टाइम्स व्हेन ऑल टैंक्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 46 मिनट, ये होना चाहिए था। जब सभी एक साथ काम करते हैं तो 46 मिनट में टैंक भर जाता है, ये हमको दिया जाना चाहिए था, और हमसे ये पूछा जाना चाहिए था कि सबसे थिकेस्ट वाला कितने में भर देगा इसको, तो ये निकल आएगा आसानी से। अगर ऐसा पूछा जाता तो ये 23 की वैल्यू होती, तो 1 की वैल्यू 2 आ जाती, तो 8 की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ जाती, 16। तो आंसर हमारा 16 हो जाता, डी वाला, और नहीं तो फिर नन ऑफ दीज होगा, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, बताओ।
कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलो, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसको सही कर लो कि ये वाला जो वैल्यू है ना ये हमसे पूछी जाएगी, ये वाली, और ये हमको दिया गया है टुगेदर इन 46 मिनट, सभी मिलकर 46 मिनट में भर सकते हैं, तो सबसे थिकेस्ट वाला कितने समय में इसे भर सकेगा ये मुझे बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। इसको करने की कोशिश करिए आप जल्दी से। इसको करिए, इसको करिए जल्दी से आप। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा समझने की कोशिश करो आप। लिखा हुआ है, अ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विद वाटर, द हस्बैंड पोर 6 लीटर ऑफ वाटर एवरी 5 मिनट एंड द वाइफ पोर 5 लीटर एवरी 6 मिनट। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल 183 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो समझने की कोशिश करना आप बड़े ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हस्बैंड की, और यहां पर लिखते हैं वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ की अगर हम यहां पर बात करें तो हस्बैंड क्या करता है, एक पति और पत्नी एक साथ पानी में एक कुंड भरते हैं, पति हर 5 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, तो 5 मिनट के अंदर ये 6 लीटर डालता है, टाइम 5 मिनट लेता है और 6 लीटर पानी डालता है, ये 6 लीटर 6 मिनट के अंदर 5 लीटर डालता है, एक 183 लीटर पानी आपको भरना है टोटल। तो बड़े ध्यान से सुनना अब आपको यहां पर, कि अगर मैं यहां से इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहूं, अब आपको कितना पानी भरना है टोटल 183 लीटर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हस्बैंड इनटू मिनट ऊपर चला जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय इक्वल टू वाटर इनटू मिनट ऊपर चला जाएगा नीचे 5, अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की यहां से एफिशिएंसी निकालूं तो 36 और 25 निकलेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, बोथ वर्क टुगेदर, तो इस केस में ये कितने किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो हमारी कितनी बनेगी, 61 बनेगी। आ गई बात समझ में? अब 83 आपको फिल करना है तो 61 से ये 3 घंटे लगा लिएगा, 3 घंटे, यानी कि आंसर हमारा कौन सा आ गया, ए, 3 आवर्स के अंदर हमारा पूरा टैंक फिल हो जाएगा। यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यह लिखा हुआ है, इसको करिए, इसको करने की कोशिश करिए, कैसे होगा समझो। हमको दिए गए हैं 2 पाइप्स ए and we can fill a tank in 56 minutes and 42 minutes. If both taps are open together, after how much tap A is closed so that the whole tank will fill in the 27 minutes. A है आपके पास और B है। Time and work का concept है। A से fill करता है 56 में और ये इसे fill करता है 42 में। ठीक है? अब एक चीज देखो, इसकी मुझे क्या निकाल के देनी है? मुझे इनका total work निकालना है या total capacity निकालनी है। तो देखो 56 आप लिख सकते हो कैसे, 7 इंटू 8, और इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 4 इंटू 2, इसको 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 14 इंटू 12 आ जाएगा कि नहीं, 14 इंटू 12, यानी कि यहां की एफिशिएंसी हमारी 14 इंटू 12 आ गई। कोई समस्या नहीं आपको? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से इसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो ये 3 बनेगी, ये 3 बनेगी, और इसकी एफिशिएंसी निकालो तो ये 4 बनेगी। ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की हमारे पास। अगर ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ गई तो अब एक आगे बढ़िए, अब उसने ये कहा है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ए कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए कि जिससे पूरा टैंक 27 मिनट में फिल हो जाए। तो ए को बंद किया गया, बी को तो बंद नहीं किया गया,
तो सबसे पहले क्या किया, ए प्लस बी दोनों ने काम किया और फिर ए बंद कर दिया, बी अकेले ने किया। तो अब मैं ये कहूं कि ए ने भी उतना ही काम किया होगा, बी ने भी, तो बी ने तो 27 मिनट काम किया होगा ना, बी ने तो 27 मिनट काम किया होगा, ए ने कितना भी किया हो मुझे नहीं मतलब, लेकिन बी ने 27 मिनट किया होगा और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 7 और 4 28, 8 2 बचा, 4 2 8 108 इसने काम कर दिया। टोटल काम है कितना, 14 और 2 28, 8 2 बचेगा 168 है, तो इसमें से 108 काम हो गया, बचा 60 काम, इसको ए करेगा। तो रिमेनिंग वर्क 60 को ए कितने समय में करेगा, 60/3 यानी कि 20 मिनट के अंदर कर देगा। तो 20 मिनट तक ए ने काम किया होगा और उसके बाद ए को बंद कर दिया हो गया होगा। ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है, 20 मिनट इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो, इसको करिए। वन इनलेट पाइप ए टेक्स 4 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन टू इनलेट पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर टेक टू फिल इट। सेकेंड इनलेट पाइप बी टेक्स 9 मिनट्स मोर टू फिल सिस्टम देन टू इनलेट पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर टेक टू फिल इट। वेन विल बी द सिस्टम बी फुल इफ ओनली पाइप बी इज ओपन। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि एक इनलेट पाइप ए को कुंड भरने के लिए दो इनलेट पाइप ए और बी द्वारा लिए गए समय की तुलना में 4 मिनट अधिक लगते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सीधा ट्रिक है इसकी। कैसे, देखो क्या कहा गया है, ए प्लस बी, इसको मान लेते हैं एक्स समय लगता है, एक्स मिनट लगते हैं। तो हमसे बोला गया है कि ए को कितना मिनट लगते हैं इससे, 4 मिनट ज्यादा, एक्स प्लस 4, और बी को कितने लगते हैं, 6 मिनट ज्यादा, नहीं 9 मिनट ज्यादा। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, रूट के अंदर इसकी वैल्यू ले लो एक्स्ट्रा वाली, इसकी वैल्यू ले लो एक्स्ट्रा वाली, तो 4 × 9, तो एक्स बराबर निकलेगा हमारा 6। उसने पूछा किसका है, बी का टाइम, तो बी का टाइम हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, यहां पर एक्स की वैल्यू यहां पर रख दो 6 + 9 यानी कि 15 मिनट। बी अकेला इसे 15 मिनट के अंदर फिल कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और इसको लॉन्ग तरीके से करोगे तो आपको करना आता ही है। आप उसे एलसीएम लेकर करते जाइए, एलसीएम लेकर टोटल एफिशिएंसी को मान लीजिए, फिर पूरा सॉल्व करिए, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये रहने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, इसको करिए। डाटा सफिशियंसी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमको यह बताना होता है कि जो आपके पास ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दी गई है उसको, उसका पूरा सॉल्यूशन हमारे किन दो कथनों को लेकर, किन दो स्टेटमेंट को लेकर आ सकता है। क्या स्टेटमेंट वन हमारा फुलफिल कर देगा सॉल्व सॉल्यूशन के लिए, क्या स्टेटमेंट टू फुलफिल कर देगा, क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी, या इनमें से एक भी हमारे लिए फुलफिल नहीं कर पाएगा। हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, थ्री पाइप ए बी सी आर अटैच टू अ सिस्टम, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 14.4 आवर्स। इन क्वेश्चंस को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो तो ए प्लस बी ये 14.4 आवर्स में कर देता है कंप्लीट। और आगे देखो, वाइल पी पाइप ए एंड सी, और ए और सी कितने में कर देता है इसको, 15 आवर्स में कर देता है, 15 आवर्स। और इफ ऑल द पाइप्स ओपन फॉर फर्स्ट 9 मिनट। अब एक चीज आप यहां पर देखो कि ए और बी दे दिया और ए और सी दे दिया, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी तो निकलने वाली है नहीं, तो इसका मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल पाए। तो देखो पहले स्टेटमेंट में कहा है पाइप ए इज 50% मोर एफिशियंट देन पाइप बी, यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में कहा है पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 180/17 आवर्स, यहां से भी हम हेल्प करके निकाल सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो हमको एफिशिएंसी निकालने में मदद कर देगा। क्या स्टेटमेंट वन हमारा एफिशिएंसी निकालने में मदद करेगा,
ये चीज हम यहां पर निकालेंगे। क्या स्टेटमेंट वन हमारा यहां पर एफिशिएंसी निकालने में मदद कर पाएगा? तो एक बात बताओ, ए प्लस बी और ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ जाए और हमको यह दे दिया जाए कि पाइप ए इज 50% मोर एफिशियंट देन पाइप बी, तो क्या हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ ऑल द थ्री पाइप्स ओपन्ड फॉर फर्स्ट 9 आवर्स, इनकी सभी को 9 घंटे के लिए खोल दिया गया, देन पाइप ए एंड पाइप बी आर क्लोज्ड, उसके पाइप ए और पाइप बी को क्लोज्ड कर दिया गया, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटेड। तो बस एक बात यहां पर समझनी है कि किस तरीके से एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ जाएंगी। अगर एफिशिएंसी का पता चल गया तो आंसर हमारा यहां पर आ जाएगा, अगर एफिशिएंसी का पता चल गया तो आंसर आ जाएगा निकलकर। तो देखो, बस समझ लो, अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो जरूरी नहीं कि इसको मैं 14.4 आवर्स और 15 आवर्स मान लूं, इसको आप सिंपल कुछ भी मान लो, सिंपल कुछ भी ले लो। आप मान लेते हैं कि ये हमारा 12 है और ये 15 है, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ये कितना बनेगा हमारा 16, तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये आपके पास 5 है और ए प्लस सी आपके पास 4 है, तो क्या इससे आप इसको जोड़ दो तो हमारा कितना बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब आपको ना ये दिया गया है, पहली वाली कंडीशन को पढ़ो, a इज 50% मोर एफिशिएंट देन b, इनकी a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3x और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी x, यहां पर रख दो, a की वैल्यू 3x रखोगे, b की वैल्यू x रखोगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4x प्लस सी बराबर 9, 4x प्लस सी बराबर 9 आ गया। यहां से यहां पर रखो a प्लस बी, यहां पर आप 4x बराबर कितना आ जाएगा 5, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहां पुट करके c की, यानी कि इससे हम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, इससे हम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी को निकाल लेंगे तो फिर इससे हमारा टोटल वर्क भी निकल कर आ जाएगा, और जब हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा और हमारा टोटल कैपेसिटी निकल कर आ गई और एफिशिएंसी निकल कर आ गई तो काम बन गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्टेटमेंट वन हमारा सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक। अब यहां पर दिया गया है इससे तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा, तो स्टेटमेंट टू भी सॉल्यूशन दे सकता है। तो अब ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट, बिल्कुल सही बात। डाटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट, बिल्कुल सही बात। डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन और इन स्टेटमेंट टू अलोन सफिशियंट, यह हमारा एकदम सही है वाला। नॉट तो नहीं होगा, ये होगा नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है कि दोनों ही हमारे अकेले अकेले सफिशियंट हैं, दोनों ही हमारे अकेले अकेले सफिशियंट हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल में, वो भी मैंने आपको यहां पर समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो, इसको करिए। टू टैप्स एम एंड एन कैन फिल अप 1/4 पार्ट ऑफ सिस्टम इन 0.6 आवर्स वर्किंग टूगेदर। द सिस्टम वॉज इनिशियली एम्प्टी, टैप एम वॉज केप्ट ओपन फॉर एज मच टाइम एज वॉज रिक्वायर्ड बाई टैप एन टू फिल अप 1/3 ऑफ सिस्टम एलोन, ठीक है। देन टैप एन वॉज केप्ट ओपन फॉर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई टैप एम टू फिल द सिस्टम बाई इट सेल्फ। इट वॉज देन फाउंड दैट द टैंक वॉज 1/6 एम्प्टी, फाइंड आउट द लीस्ट टाइम इन विच एनी ऑफ द टैप्स कैन फिल द सिस्टम फुली, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, इसको करिए। 30 सेकेंड का समय है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स, पाइप सी कैन फिल एम्प्टी that tank in 30 hours, pipe A is open all the time and B and C are open for 1 hours each alternately, then tank will be full. कितने समय में टैंक फुल हो जाएगा? मतलब पाइप ए है वो 24 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, तो तुरंत इसको देखते ही यहां पर एफिशियंसी निकालना चालू कर दो। देखिए, देखो ए को लिखो यहां ए, और ए कितने में 24 आवर्स, तो ये 24 लिखा।
और बी कितने में फिल कर सकता है, 40, तो 40 लिखा। और इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, पाइप सी कैन एम्प्टी, पाइप सी इसको खाली कर सकता है 30 में, 30 लिखा, सभी आर्स के अंदर है। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल कैपेसिटी ले लेंगे कितनी आ जाएगी हमारी, टोटल कैपेसिटी 120। ठीक है, तो देखो इसको 120 ले लिया। अब यहां से 120 कैपेसिटी लेने से हमको एक बात पता चल गई कि एफिशिएंसी ऑफ ए हमारी 5 हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी हमारी 3 हो जाएगी और एफिशिएंसी ऑफ सी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, 5, 3, 4 आ गई। अब क्या कहा गया है आगे वो सुन लो, पाइप इज ओपन ऑल द टाइम, यानी कि पाइप ए तो हमेशा ओपन रहता है, ए तो हमेशा ओपन रहता है, और बी एंड सी ओपन फॉर 1 आवर्स ईच अल्टरनेटिवली। तो ए के साथ पहले बी ओपन होता है, फिर ए के साथ हमारा सी ओपन होता है। तो देखो जब ए के साथ बी ओपन होगा तो ए टैंक फिल हो जाएगा, और बी के साथ जब सी ओपन होगा तो ये तो माइनस में है तो -1 हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, यानी कि जब ए की एफिशिएंसी 5 है और इसकी -4 है तो सॉरी 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा ना, देखो एक मिनट, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आ गई। तो टोटल हमारा कितना फिल हो जाएगा 2 आवर्स के अंदर, टोटल फिर 9 हो जाएगा टैंक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बताओ कि 2 आवर्स के अंदर टोटल हमारा फिल हो रहा है 9। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको समझ में आ रही, मतलब फिर से समझो, ए के साथ पहले बी ओपन होता है फिर ए के साथ सी ओपन होता है, तो जब ए के साथ बी ओपन होता है तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा, जब ए के साथ सी ओपन होता है तो 5 - 4 हमारा 1 हो जाएगा। तो 2 आवर्स के पूरे वर्क में 9 हमारा काम होता है, तो 9 टैंक फिल होता है। अब 120 फिल करना है, तो 120 फिल करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 120 फिल हो जाए। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना अब यहां पर, तो यहां पर आपने देखा तो मैं मल्टीप्लाई यहां पर कितने का कर दूं, तो ये हम कर देंगे यहां पर 9, यानी कि हमारा 120 मुझे बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसे देख लो कितने का कर दें, 120/9 कर दो, तो ये 3, ठीक है, और 40/3, ये 40/3 आ गया। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई 40/3 का कर दूं तो यहां भी मल्टीप्लाई मुझे 40/3 का ही करना पड़ेगा, तो 120 फिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये हमारा आ गया 80/3 आवर्स, इतने के अंदर ये फिल हो जाएगा। अब 80/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का करने पर ये 20 आ जाएगा, और 20 का करने पर ये हमारा कितना बन जाएगा, 1600 मिनट बन जाएंगे, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज हमारा यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी सभी को। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करो आप लोग, टाइम आपके पास 30 सेकंड का है, इसको करिए जरा। तो देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, पाइप बी कैन फिल इन 8 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन 3 आवर्स। तो सबसे पहले यही लिख लो यहां पर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 टैंक है हमारे पास, 3 पाइप है हमारे पास, ये फिल करता है, ए फिल करता है 8 आवर्स के अंदर किसी भी टैंक को, बी फिल करता है कितने के अंदर, नहीं ए करता है 6 के अंदर, ए 6 में फिल करता है, ए 6 में फिल करता है। ठीक है, तो ये 6 में करता है फिल, और ये करता है 8 में फिल 8 आवर्स के अंदर, और ये एम्प्टी करता है 3 आवर्स में। ये बात समझ में आ गई आपको,
ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से इनकी एफिशिएंसी को निकाल देंगे। तो इसके लिए एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क यहां पर क्या होगा, कैपेसिटी होगी, तो वो हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 24 निकल कर आ जाएगी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो एक ही एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, ये तो प्लस में आएगी। ये कितनी आ गई, 3 आ गई, ये भी प्लस में आएगी। और ये माइनस की कितनी आ गई, 8। बात समझ में आ गई कुल मिला के। अब एक बात बताओ, उसने ये बोला कि जो सबसे पहले क्या होता है, तीनों पाइप एक 5 बजे खोला जाता है, फिर एक 6 बजे ओपन किया जाता है, एक 7 बजे ओपन किया जाता है, तो टैंक किस समय पर खाली हो जाएगा ये मुझे बता देना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर पाइप ए को ओपन कर दिया, तो पाइप ए ने 5 बजे ओपन किया गया, तो 5 बजे से लेके 5 पे ओपन कर दिया, तो 6 तक, पीएम की बात हो रही है, तो 5 PM से 6 PM तक इसने 1 घंटे काम किया। तो 1 घंटे में इसने कितना फिल कर दिया होगा, इसने 4 यूनिट फिल कर दिया। अब देखो, अब यहां ए तो ओपन चल ही रहा है, अब बी भी ओपन हो गया 6 बजे। अब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 से 7 PM तक ये काम करेंगे, तो ये काम करेंगे, तो 6 बजे से 7 PM तक ये काम करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 की एफिशिएंसी, तो 7 वर्क कर दिया इन्होंने, ठीक है। यानी कि यहां पर इस बीच में जो हमारा फिल होना था वो फिल हो गया हमारा कितना, वो हमारा फिल हो गया 4, और इसके बीच में इतने ड्यूरेशन में फिल कितना हो गया, 7। ये बात समझ में आ गई। अब 7 बज गए, तो 7 बजे ए प्लस बी प्लस सी तो ओपन रहेंगे ही, ए प्लस बी, अब एक सी और ओपन हो गया जो कि खाली करता है टैंक को। अब देखो, तो 4 और 3 7 और -8, ये तो -1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, -1 की एफिशिएंसी से ये खाली करना चालू करेगा, तो ये टैंक फुल कितना हो चुका है, 7 और 4 11 यूनिट फिल हो चुका है, तो इसका काम है इसको खाली करना 11 यूनिट को। तो 7 बजे से ये खाली करना चालू करेगा, तब इसे 11 घंटे लगेंगे खाली करने में, 7 बजे से खाली करना चालू करेगा, तो 7 से 8 बजेगा 8 PM, तब ये 1 घंटा खाली कर, 1 काली खाली कर पाएगा। तो इसी तरीके से 7 से 8, 8 से 9, इस तरीके से उसे 11 आवर्स लगेंगे। तो अगर 11 आवर्स लगेंगे तो कितने बजे तक टैंक खाली हो जाएगा, 6 AM तक टैंक खाली हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 AM, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 6 AM पर हमारा टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा सभी को कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट ये रहा, इसको करिए, थर्टी सेकंड का समय है, करने की कोशिश करो इसे। आप लिखा हुआ है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द 45 मिनट्स। पंकज ओपन द बोथ पाइप एंड लेफ्ट After returning then at that time when the tank should be filled, यानी कि तब लौट कर आता है, उसने कैलकुलेशन पूरी लगा ली कि हम उस समय लौट कर आएंगे जब हमारा टैंक पूरा फिल हो जाएगा। He noticed that the tank was not full due to leakage. If he repaired that leakage, then the tank was filled in 9 minutes. In how much time will the leakage had emptied that tank? यानी कि हमको ये बताना है कि कितने समय में वो लीकेज है वो उस टैंक को खाली कर देगा, ये चीज हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो, समझने की कोशिश करना आप लोग, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए है, ए की ए कितने समय में फिल कर रहा है टैंक को, तो ए कर रहा है फिल 30 में, और बी कितने में फिल कर रहा है इसको, बी फिल कर रहा है इसको 45 में। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर टोटल कैपेसिटी हमारी जो बनेगी वो कितनी बनने वाली है, यहां पर ये हमारी बनने वाली है 90, बीच वाली वैल्यू 90 आ जाएगी, तो एफिशिएंसी यहां पर की +3 बन जाएगी और यहां एफिशिएंसी हमारी +2 बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बताओ कि इनकी टोटल एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, तो 5 की एफिशिएंसी से अगर हम देखें तो 18 मिनट लगेंगे इस टैंक को फिल होने में, यानी कि रियल टाइम जो लगना चाहिए था वो हमारा लगना चाहिए था 90/5, यानी कि 18 मिनट, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं,
एक लीकेज क्रिएट हो गया था, उस लीकेज क्रिएट होने की वजह से टैंक में गड़बड़ हो रही थी, तो टैंक में टाइम ज्यादा लग रहा था। लेकिन अब सोचो आप, जैसे ही लीकेज को सही किया गया उसके 9 मिनट के बाद, लीकेज को जैसे ही सही किया गया उसके 9 मिनट के बाद टैंक भर गया। इसका मतलब यह हुआ कि 9 मिनट के अंदर टैंक में कितना पानी गया होगा, तो एफिशिएंसी तो 5 है सही वाली, तो 9 मिनट के अंदर 5 की एफिशिएंसी से 45 पानी गया होगा। तो इसका मतलब लीकेज ने कितना खाली किया होगा, 45 खाली किया होगा। लीकेज ने कितना खाली किया होगा, 45 खाली किया होगा। यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब एक चीज देखो यहां से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यानी कि मतलब कहने का हमारा यह हुआ कि जो टैंक है, टैंक, उस टैंक में क्या हुआ, एक लीकेज था, वो लीकेज वो पता नहीं था, तो लीकेज पता नहीं था, तो उसने पर्सन ने जो यहां पर नाम है उसका क्या नाम दिया गया, पंकज, पंकज ने ये यहां पर अनुमान लगाया कि 18 मिनट के बाद हम वापस जाएंगे तो टैंक हमें फिल मिलेगा। लेकिन वो आया 18 मिनट के बाद, तो उसने देखा कि टैंक तो फुल है ही नहीं, उसमें एक लीकेज खुला हुआ है, तो लीकेज वाला उसने जैसे ही बंद किया तो 9 मिनट चलने के बाद टैंक फिल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो 9 मिनट के अंदर 45 फिल हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले सिर्फ 45 ही फिल हुआ था, सिर्फ पहले कितना फिल हुआ था, 45 और 45 खाली हो गया था, 45 क्या हो गया था, खाली हो गया था और 45 फिल हुआ था। यह बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब उसने यह पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल दैट लीकेज हैड एम्प्टी दैट टैंक, तो कितने समय के अंदर लीकेज उस टैंक को खाली ही कर देगा पूरा, ये है, ठीक है। जल्दी से सोच के जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ, यहां तक मैंने बता दिया आपको, जल्दी से। अरे भाई कॉमन सेंस ही बात लगाओ आप, यहां पर 45 टैंक खाली करने में, उसे 45 टैंक खाली करने में, 45 ये 45 है ना, इस 45 को खाली करने में उसे 18 मिनट लगे, क्योंकि 45 से तो उसने खाली किया था, 45 खाली करने में उसे 18 मिनट लगे। तो अगर मैं यहां डबल कर दूं और यहां भी डबल कर दूं तो पूरा 90 खाली करने में उसे कितने मिनट लगेंगे भाई, 36 मिनट। आंसर कितना आ गया, 36 मिनट, ये आंसर आ गया, कि पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगने वाला है, 36 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 36 मिनट। समझ में आ गई बात आपको, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, सी वाला, क्लियर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ये रहा, इसको करिए, इसको करिए। लिखा हुआ है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, एन आउटलेट पाइप ड्रेन द वाटर एट द रेट ऑफ 48 लीटर पर आवर्स, देन द टैंक फिल इन 7.5 आवर्स, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कैपेसिटी निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा ये देखा करो आप कि जो टैंक यहां पर खाली हो रहा है, जो रेट हमको दी गई है वो किसकी दी गई है, उसने बोला एन आउटलेट पाइप की हमको रेट दी गई है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि आउटलेट पाइप पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा, बस हमको ये पता करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे ए, और यहां से आपको पता चलेगा कि जो ए है वो कितने घंटे में, 3 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है। अब एन आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप है बी, ठीक है, ड्रेन द वाटर एट द रेट ऑफ 48 लीटर पर आवर्स, देन द टैंक फिल इन 7.5 आवर्स विद द कैपेसिटी ऑफ टैंक, देन द टैंक फिल इन 7.5 आवर्स। ये 7.5 आवर्स किसकी वैल्यू दी गई है, उसने बोला है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, ठीक है, एन आउटलेट पाइप ड्रेन द वॉटर एट द रेट ऑफ 48 लीटर पर आवर्स, ठीक है, देन द टैंक फिल इन 7.5 आवर्स, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये बात तो ठीक है कि 7.5 आवर्स के अंदर टैंक फिल हो जाएगा, लेकिन आउटलेट पाइप की तो यहां पर कहीं इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है। ठीक ठीक ऐसे हो जाएगा, देखो
उसने एक्चुअली हमसे ये कह दिया है इसमें कि ये ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी उसने दे दी है कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 7.5 आवर्स के अंदर टैंक फिल हो जाएगा, ये बोल दिया है उसने, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं। देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम ले लेते हैं, ये हमारा 15 ले लेते हैं टोटल कैपेसिटी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, लेकिन प्लस की 5 आ जाएगी, और यहां पर 7.5 को करेंगे तो ये प्लस के 2 आ जाएगी क्योंकि ये भी फिल हो रही है। लेकिन आप एक बात बताओ कि अगर मेरे पास a प्लस बी बराबर प्लस के 2 है और यहां पर b की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी, a की एफिशिएंसी प्लस के 5 है, तो b बराबर हमारा माइनस के 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात हमको समझ में आती है। अब ये बताओ कि जो b है उसको पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे, 5 आवर्स लग रहे हैं, और जो b है वो क्या कर रहा है, b की एक बात समझो यहां पर आप कि वो एक घंटे में 48 लीटर पानी को निकाल रहा है, तो 5 आवर्स के अंदर वो कितना पानी को निकाल देगा, 48 लीटर इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा 240 लीटर, तो जितना पानी निकालेगा उतना ही तो उसके अंदर भरा रहता होगा, तो इसकी कैपेसिटी हमारी कितनी निकल कर आ गई, 240 लीटर, इसकी कैपेसिटी 240 लीटर निकल कर आ गई कि नहीं, समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करिए, लिखा हुआ है टू आउटलेट पाइप्स कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 मिनट्स एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली, इफ एन इनलेट पाइप फिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट देन द टैंक टेक्स 45 मिनट्स टू बी एम्प्टी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो यहां पर देखो कि सबसे पहले हमको रेट किसकी दी गई है, तो उसने रेट हमको इनलेट पाइप की दी है, वो भी कितनी है 4 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर वो फिल करता है, ये हमको दी है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहां तक, तो भाई मुझे कैसे भी करके ये निकालना पड़ेगा जो इनलेट वाला पाइप है वो कितना समय लगाता होगा पूरे टैंक को भरने में, ये चीज हमको निकालनी ही पड़ेगी। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, समझिए, सबसे पहले आप यहां पर लिखो ए, ए हम मान लेते हैं एक पाइप को, एक को बी मान लेते हैं, और ये जो इनलेट वाला है इसे सी मान लेते हैं, ये दो आउटलेट है, तो ये तो 60 मिनट के अंदर आउटलेट करता है, ये 36 मिनट के अंदर आउटलेट करता है, और ये कितने के अंदर करता है 45 मिनट के लिए, नहीं इसका अकेला नहीं दिया गया मुझे, इसका अकेला नहीं दिया गया है, इसका तीनों का दिया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं, तो यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों काम करते हैं तो 45 मिनट। अब देखना बड़े ध्यान से, यहां पर मैं क्या ले लूंगा, इनकी टोटल वर्क ले लूंगा, तो देखो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 60 है, ये 36 है, ये 45 है, तो हम 360 ले लेते हैं, यहां पर 360 से आ जाएगा और एक 180 से भी आ जाएगा, तो 180 ले लेते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी हमने कितनी ले ली, 180 ले ली। अब इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, प्लस के 2 हो जाएगी, बात समझ में आ गई इतनी आपको, ठीक है, सॉरी प्लस के 4 हो जाएगी, 4 सॉरी सॉरी 4 एक मिनट रुकना, 4 हो जाएगी 4। अब देखो, अब अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपके पास 4 है और a प्लस बी बराबर आपके पास माइनस के 8 है, तो c बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर C की एफिशिएंसी 12 आ गई तो टाइम ऑफ C, C को कितना समय लगेगा 180 अपॉन 12 वर्क कंप्लीट करने में, तो 1 और 5 15 घंटे लगेंगे, तो ये बताओ कि 15 घंटे लगेंगे लेकिन ये 1 मिनट में 4 लीटर निकालता है, तो 15 मिनट 15 घंटे के अंदर 15 मिनट लगेंगे, घंटे नहीं लगेंगे, मिनट की बात हो रही है यहां पर, है ना, तो ये मिनट लगेंगे घंटे नहीं लगेंगे, देखो इसको हटा दो। अब देखो, अब तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं,
अब जो एफिशिएंसी हमको दी गई है वो ये दी गई है कि 1 मिनट के अंदर जो सी वाला है जो जो इनलेट पाइप है वो 4 लीटर भरता है, तो 15 मिनट के अंदर कितना भरेगा भाई, 15 मिनट के अंदर 15 और 4 60 60 लीटर। ये तो सिंपल ही निकल कर आ गया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो भाई इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, तो इतना भी जरूरत नहीं पड़ी करने की। देखो देखिए उसने ये बोला है कि जब ये टैंक की एफिशिएंसी 4 लीटर पर मिनट निकलती है, तो ये सच में निकल कर आ गई 4 लीटर पर मिनट, तो ये तो टैंक की कैपेसिटी हमारी 180 हो गई, सीधा सीधा आंसर आ गया ये, तो यानी कि डायरेक्ट ही हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना, 180 लीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये था उसका कि आउटलेट पाइप एक है वो 60 मिनट में खाली करता है और एक आउटलेट पाइप है वो 36 मिनट में खाली करता है। ठीक है, और जो इनलेट पाइप है वो 45 मिनट में फिल करता है। अब बात समझिएगा बड़े ध्यान से, तो 45 मिनट में फिल करता है। ठीक, अब यहां से मैं अगर मैं देखूं तो मुझे एफिशिएंसी मिली 3, 5 और 4, 3, 5 और 4, तो एक्चुअली में मुझे जो एफिशिएंसी मिली वो माइनस के 4 मिली, माइनस के 8 है प्लस के 4 करेंगे अगर इसमें हम। ठीक है, ऐसे करो, देखो ये गलत तरीके से थोड़ा सा कर दिया यहां पे, इसको समझो इसलिए कंफ्यूज हो गए होगे। ये देखो, देखना अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास, ठीक है, तो आप एक बात बताओ यहां पर सी की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, सी की वैल्यू हमको बनानी है, तो ये तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया, क्योंकि ये भी तो खाली कर रहा है 45 मिनट में, ये क्या करता है, ये भी खाली करता है, तो माइनस के 4 आ गया। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास, ये माइनस के 8 प्लस सी आ गया और ये हमारा माइनस के 4 आ गया, तो सी बराबर हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, ये माइनस के 8 उधर जाएगा तो ये 4 निकल कर आ जाएगा, ये सी की वैल्यू 4 आ गई, गॉट इट, सी की वैल्यू 4 आ गई। तो टाइम ऑफ सी, सी को कितना समय लगेगा, यानी कि सी का मतलब होता है कि हमारा जो इनलेट पाइप है उसको कितना समय लगेगा, तो 180/4, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 बार 4 4 16 और 4 5 20 45। अब एफिशिएंसी 4 लीटर है इसकी, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 हमारा वैसे ही निकल कर आ गया, और यहां से भी समझ में आ रहा है कि ये 4 और 4 हमारा क्या कर गया, एक दूसरे को वेरीफाई कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका 180 लीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करो आप।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 आवर्स एंड टैप बी कैन फिल सेम सिस्टर्न इन 15 आवर्स, व्हाइल टैप सी कैन एम्प्टी फुल सिस्टर्न इन 12 आवर्स, टैप ए स्टार्टेड एट 8 एम, टैप बी स्टार्टेड एट 11 एम एंड टैप सी स्टार्टेड एट 1 पीएम, एट व्हाट टाइम एन एम्प्टी सिस्टर्न विल बी फुल और अ फुल सिस्टर्न विल बी एम्प्टी। ठीक है, ये बताना है मुझे। अब उसे पता नहीं ना कि फुल होगा कि खाली होगा, तो ये मुझे बताना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं अभी इसी क्लास में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो जल्दी से करने की कोशिश करो आप इसे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, उसने बोला है कि एक टैप ए है वो 20 आवर्स के अंदर फिल करता है, तो यहां लिख लो ए और बी और ये सी, तीन टैप ले लेते हैं। ये 20 आवर्स के अंदर फिल करता है तो इसको 20 लिख दो, ये कितने के अंदर फिल करता है 15 आवर्स के अंदर फिल करता है तो इसको 15 लिख दो, और सी कैन एम्प्टी 12 आवर्स, ये 12 आवर्स के अंदर एम्प्टी करता है तो इसको 12 लिख दो। अब देखो यहां की यहां पर हमारी टोटल कैपेसिटी 60 ले लेंगे, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद आप देखो 20 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, फिल कर रहा है तो प्लस में आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो प्लस 4 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले देखो कि ए को सबसे पहले ओपन किया जाता है, ए को ओपन किया जाता है और जब इसे ओपन किया जाता है तब 8 एएम हो रहे होते हैं घड़ी में। उसके बाद क्या होता है कि बी को 11 बजे ओपन किया जाता है, बी को 11 बजे ओपन किया जाता है, तब तक ए अकेला चल रहा है, तो 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे चला और 3 घंटे में इसने कितना टैंक फिल कर दिया, 3 घंटे में इसने कितना टैंक फिल कर दिया, तो वो हम निकाल सकते हैं यहां से, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो 9 टैंक फिल कर दिया इसने। ये बात समझ में आ गई अमितेश जी, 7:30 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको इतनी। अब इसके बाद देखिए, अगर ये 9 फिल कर दिया यहां पर, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो ये 11 एएम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो सी वाला पार्ट है वो कितने बजे ओपन किया जाता है, वो ओपन किया जाता है 1 पीएम पर, सी 1 पीएम 1 एएम पे। तो अब यहां पर ए और बी दोनों चलेंगे क्योंकि बंद तो नहीं किया गया, तो यहां पर ए प्लस बी दोनों ऑन हो जाएंगे, तो ए और प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 की एफिशिएंसी से 11 से 12 दो घंटे में, दो घंटे में ये कितना फिल कर देगा वो देख लेते हैं, तो दो घंटे में ये 14 फिल कर देगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद आता है यहां पर, तो यहां पर तीनों काम करेंगे, अब यहां पर 1 बजे पे तीनों काम करने लगते हैं, ये बी भी काम करने लगता है, सी भी काम करने, वो ए भी काम करने लगता है। अब उसने ये कहा कि जब तीनों काम करेंगे तो 4 और 3 7 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा। अब इस 2 के हिसाब से टोटल हमारे पास 14 और 9 कितना होता है, 6 और 3 23 होता है, 23 टैंक तो हमारा फिल हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक, ठीक है, 23 हमारा टैंक फिल हो गया, तो बचा रिमेनिंग टैंक कितना हमारा, बात समझिएगा यहां से, यानी कि इनकी एफिशिएंसी हमारी अब 1 बजे के बाद हमारी एफिशिएंसी 2 की तरह काम करेगी, और टैंक हमारे पास कितना बचेगा फिल करने के लिए वो आप यहां से देख लो, माइनस कर दो इसमें से कितना 14 और 9 यानी कि 23, और 23 इसमें से जैसे ही माइनस करोगे तो 37 बनेगा, और इस 37 को जब ये फिल करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो इसे जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 15, 16, 18 घंटे, 18 1/2 लिख लो, ऐसे लिख लो 18.5 घंटे। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 बजे से लेके 12 घंटे तक तो 1 अगेन बज गया, 1 बजे से 1 बजे तक 12 घंटे हो गए, ठीक है। अब देखो 6 घंटे और जोड़ दो इसमें, तो 6 के बाद हमारा कितना हो जाएगा 7 बज गए, तो 7:30 बजे हमारा टैंक फिल हो जाएगा, कहां गया 7:30 ऑप्शन में, ये रहा 7:30 बजे हमारा टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करो। थर्टी सेकेंड का समय आपको देता हूं,
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना आप लोग किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले हमसे यह कहा गया है, यहां पर इसको साइड से कर देते हैं। देखो टू पाइप हैं, एक 24 मिनट में फिल करता है, एक 30 मिनट में फिल करता है। मैं दोनों पाइप को लिख लेता हूं यहां पर। देखो फर्स्ट 24 मिनट और सेकंड 30 मिनट। इसके बाद अगर मैं देखूं इनके 24 और 30 से इनकी अगर मैं टोटल कैपेसिटी निकालूं तो ये 120 आ गई, तो ये टोटल कैपेसिटी हो गई। अब मैं अगर इनकी एफिशिएंसी निकालने जाऊं तो इसकी एफिशिएंसी तो हमारी 5 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि जो ये 5 वाली एफिशिएंसी है ना, ये अपने 60% के हिसाब से वर्क करने लगे। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्लस 5 वाली एफिशिएंसी है ये अपने 60% के हिसाब से वर्क करने लगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये 3 की तरह काम करने लगे, और ये जो प्लस 4 वाली एफिशिएंसी है ये अपने 75% की तरह काम करने लगे, यानी कि 3/4, यानी कि ये भी हमारे प्लस 4 की तरह काम करने लगे, प्लस 3 की तरह। यानी कि इनकी एफिशिएंसी को कम कर दिया गया, दोनों को बोल दिया गया कि 3-3 की एफिशिएंसी से आप काम करो। अब एक बात बताओ आप मुझे कि उसने ये बोला है कि जब ये चीज पता चल गई कि भाई ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसकी सफाई कर दी उसकी, और सफाई करने के बाद देखा तो 6 मिनट के अंदर टैंक भर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफाई करने के बाद 6 मिनट के अंदर टैंक भर गया, तो 5 और 4 9, यानी कि ये तो हमारी 9 की एफिशिएंसी से 6 मिनट तक चला, तो ये 54 टैंक फिल हो गया सही तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 54 इसके पहले कितना फिल हुआ होगा, वो चीज हमको पता चल जाएगी इससे। ठीक है, तो इसके पहले कितना फिल हुआ होगा भाई, 120 में से 54 यहां फिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचा वो हमारा कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 66। ये बात समझ में आ गई। अब इस 66 को हमको फिल करवाना है भाई, और हमको देखना है कि ये किस एफिशिएंसी से फिल करेंगे, 3 और 3 6 की एफिशिएंसी से। तो टाइम कितना लगने वाला है 66 को फिल करने में, 6 की एफिशिएंसी से 11 मिनट। यही आंसर है 11 मिनट, यानी कि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। लिखा हुआ है ए टैंक हैज 10 पाइप्स, आउट ऑफ विच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट्स। इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 आवर्स। इफ ऑल पाइप्स आर ओपनड टुगेदर देन द टैंक गेट फिल्ड इन 4 आवर्स। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि इसमें 10 पाइप लगे हुए हैं और 10 पाइप में से कुछ टैंक भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पर एक इनलेट पाइप है, ऐसे लिख लेता हूं मैं, देखो आपको समझाता हूं, ऐसे लिख लो। इनलेट है वो 12 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है, 12 आवर्स के अंदर, और आउटलेट है वो
कितने के अंदर खाली कर रहा है, इस 16 आर्ट्स के अंदर, 16 आर्ट्स के अंदर खाली कर रहा है। तो यहां से मैं इनका 48 मैंने क्या ले लिया, इनका कैपेसिटी ले ली। तो मुझे यह पता चल गया इनका अगर 48 कैपेसिटी है तो इनकी एफिशिएंसी अगर मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, 12 और 4 प्लस 4 आ गई और ये कितनी आ गई, माइनस के 3 आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है, अब देखो यहां तक कोई समस्या नहीं आपको, प्लस 4 माइनस 3 आ गई। अब एक बात सोचो कि अगर 10 पाइप लगे हुए हैं, आप ऐसा सोचो एलिगेशन मेथड से कि सारे टैंक को फिल करते, तो सारे टैंक को फिल करते तो कितना टैंक फिल हो जाता, 40, और सारे टैंक को खाली करते माइनस 3 की एफिशिएंसी से तो कितना खाली कर देते, माइनस 30। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन अगर मैं यह देखूं कि यह 48 हमारे पास कैपेसिटी है, 48 हमारे पास कैपेसिटी है, और अगर मैं बीच वाली वैल्यू निकालना चाहूं, इसका एवरेज निकालना चाहूं, तो वो कितना निकलेगा हमारा, तो वो हमारा कितना निकल के आएगा, 12 आर्स, कितना निकल के आएगा, 12। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक है, क्योंकि उसने देखो क्या लिखा है, समझ लो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ए टैंक हैज 10 पाइप्स, आउट ऑफ विच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। तो मैंने इनलेट की एफिशिएंसी को निकाल लिया, मैंने सोच लिया कि सारे फिल करने वाले ही हैं, ये इनलेट है, ये इनलेट है, चेंज कर देता हूं थोड़ा सा कलर, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, आउटलेट। ठीक है, तो अब मैंने क्या कह दिया कि सारे अगर फिल करने वाले ही हैं तो ये बताओ कि फिल करने की एफिशिएंसी 4 है, एलिगेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो 4 की एफिशिएंसी से तो 40 हमारा फिल कर देगा, सारे फिल करने वाले होंगे तो, सारे खाली करने वाले होंगे तो 30 खाली कर देंगे। लेकिन उसने लास्ट में लिखा है द टैंक गेट फिल्ड इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर टैंक भर जाता है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 48। तो अगर 48 एफिशिएंसी है तो 4 के हिसाब से ये कितना भरेगा, 12, तो एक घंटे में 12 आवर्स भरेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पर हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 42, और इतना कितना यहां पर कितना बनेगा हमारा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 10 जाएगा तो ये हमारा 28। 7 से कैंसिल करो तो 7 4 आ जाएगा, 7 और 6 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, यानी कि हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया इनलेट और आउटलेट का वो 3:2 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आपको, अब देखो अगर इनलेट आउटलेट का रेशियो हमारे पास 3:2 आ गया तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 5 रेशियो की वैल्यू, 10 पाइप दिए गए, 10 पाइप, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी निकलकर, 2 पाइप। अब उसने पूछा हमसे क्या है, उसने ये बताया कि इनलेट पाइप की संख्या बताओ, तो 3 यूनिट है यहां पर, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 रेशियो, ये आ जाएगी 6 पाइप। आंसर कितना आ गया हमारे पास निकल के, 6 पाइप, यही आंसर है, यानी कि ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात आपको सभी को, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। इसको करने की कोशिश करो, थर्टी सेकंड का समय देता हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है ना, करने की कोशिश करो आप। देखो किस तरीके से होगा, समझिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिए आप। आपके पास जो रेडियस दी गई है, 3 पाइप हैं के एल एम, हैव रेडियस 1 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ये दी गई है हमारे पास। ठीक है,
कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं आपको यहां लिखना चाहूं तो देखिएगा, अगर मैं रेडियस लिखूं तो रेडियस का अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले की 1 है, दूसरे की 3/2 है और तीसरे की 2 है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 2:3:4 आ जाएगा रेशियो, यही आएगा 2:3:4। गॉट इट। चलो अब यहां से एक चीज सोचो कि हमेशा याद रखना कि अगर हमको एरिया पता करना है तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो एरिया का क्या बन जाएगा हमारा, 4:9:16। ये एरिया का रेशियो बन गया, क्योंकि मुझे जब तक उस पाइप का एरिया नहीं पता होगा, क्योंकि ये गोल पाइप होगा ना हमारे पास, तो उस गोल पाइप से फ्लो में पानी निकल रहा होगा तो उसका हमको रेडियस पता है, तो रेडियस पता है तो एरिया पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात यहां तक समझ में आ गई सबको, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब उसने ये कहा है हमसे कि देखो आगे उसने लिखा है कि ये जो पाइप है ना इनकी स्पीड क्या है फ्लो करने की, स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन दैट पाइप इन 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट एंड 1 लीटर पर मिनट। तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकालेगा, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर निकालेगा, फिर 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकालेगा और 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकालेगा, तो किस, तो इनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी वो हम निकाल देते हैं आपके सामने। देखो तो एफिशिएंसी हमारी बन जाएगी, टाइम है हमारा पहले वाले का हमारा एरिया है 4 और कितना निकाल रहा है पर मिनट 3, तो ये बनेगा। इसके साथ हम यहां पर ले लेंगे 9:2 और फिर इसके साथ 16:1, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब इनको मैं सॉल्व करूं तो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट होके ये 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा बन गया 6:9:4, ये बन गया 6:9:4। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई, यानी कि आपको एफिशिएंसी यहां तक पता चल गई, ये 6 है, ये 9 है और ये 4 है। अब उसने हमसे ये बोला है कि सबसे मोटी वाली जो पाइप है ना वो 46 मिनट में टैंक को भर सकती है, तो उन्हें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, सबसे मोटी वाली पाइप हमारी ये वाली है ना 4 वाली, तो 4 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 46 मिनट। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको, यानी कि उसने हमसे बोला क्या है भाई, ये 4, एक मिनट रुकना, ये 4 है इंटू 3 था, ये 9:2 था और ये 16:1 था, तो 2 से कैंसिल करने पर ये 8 बनेगा ना, 8 बनेगा, गलत लिख गया था थोड़ा सा, 8 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, साफ 8 आएगा, 8। अब देखो उसने ये कहा हमसे कि जो सबसे मोटी वाली पाइप है, ठीक है, वो टैंक को, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, इफ द थिकनेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक, इफ द थिकेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 46 मिनट, देन हाउ मच टाइम विल द टैंक टू फिल द टैंक टुगेदर, तो एक साथ वो कितने समय में टैंक को खाली कर देंगे ये मुझे बताना है यहां पर। तो देखो एक चीज देखो, यहां पर इनको सम करो, 6 और 8 हमारा कितना बनेगा, 6 और 8 हमारा 14 और 14 और 9 23, तो 23 हमको, इसकी वैल्यू हमको 46 दी गई है, तो 8 की वैल्यू हमको अगर निकालनी है तो ये हमारी बनेगी 8:2 यानी कि 16 हमारा आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए।